हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजु बूस्टर्स। हम लोग डिस्कस करेंगे बेलेनोग्लॉसस के बॉडी वॉल के बारे में। इसके पहले हम बेलेनोग्लॉसस का कुछ पार्ट निकाल चुके हैं जो हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर बेलेनोग्लॉसस नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, आप लोग जरूर उसको देखें। वहां पे आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। जैसे प्रियंका सिंह जी ने कमेंट किया कि सर सिलेबस चाहिए, तो बीएससी सेकेंड ईयर का हमने सिलेबस वहां पे दे दिया है। बेटा एक बार आप देख लो, देन उसके बाद आप कमेंट करके हमको जरूर रिप्लाई दो। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉडी वाला बेलेनोग्लॉसस। इसके पहले की कुछ वीडियो हमने बना दी है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जरूर देखें। वहां पे आपको मिल जाएगा बेलेनोग्लॉसस की सिस्टमैटिक पोजीशन, आई मीन क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टर, देन उसके बाद एक्सटर्नल मार्फोलॉजी जिसमें हमने बॉडी डिवीजन की बात की है, वहां पे हमने स्टडी की है ट्रंक, प्रोबोसिस और कॉलर। तो ये सारी चीजें हमने कर ली है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने निकाला था पार्ट ऑफ ट्रंक, और उसके पहले भी हमने निकाल दिया है बहुत सारे वीडियो को जिसमें आप पढ़ सकते हैं जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा, जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेट। तो ये पूरे वीडियो को आप लोग जरूर से जाके वहां देखें, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है बेटा। आप लोग कमेंट करने के पहले एक बार वहां जाके जरूर देखें। देन हम बात करते हैं जो बॉडी वाला बेलेनोग्लॉसस है, ये तीन लेयर से बना हुआ होता है, यानी इसकी बॉडी वाल जो होती है कंपोज होती है तीन लेयर से। द बॉडी वाल इज कंपोज्ड ऑफ एपिडर्मिस, मस्कुलेचर एंड पेरिटोनियम। जो पहली पार्ट होती है यह है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की बात की जाए तो द आउटमोस्ट या फिर आउटर मोस्ट भी इसको कहते हैं लेयर ऑफ बेलेनोग्लॉसस। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बेलेनोग्लॉसस इज नोन एज क्या, एपिडर्मिस। जो आउटर लेयर होता है इसी को क्या बोला जाता है बेटा, एपिडर्मिस, विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ मोस्टली टाल, और कैसा टाल, स्लेंडर, कॉलमनर एंड सिलिएटेड। वहां पे सिलिएटेड सेल्स होते हैं, मतलब वो सेल्स जिसके आसपास या ऊपर सिलिया पाए जाए। देयर आर थ्री काइंड ऑफ ग्लैंड सेल्स सिक्रीटिंग म्यूकस। यहाँ पे तीन प्रकार के ग्लैंड सेल्स पाए जाते हैं, किस पे, एपिडर्मिस पे, जो म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। वो ग्लैंड सेल कौन कौन से है, दैट इज पहला है गोबलेट ग्लैंड सेल्स, दूसरा है बेटा रेटिकुलेट ग्लैंड सेल्स, तीसरे पे आता है ग्रेनुलर और मलबरी ग्लैंड सेल्स। ये है मलबरी ग्लैंड सेल्स। बात अगर की जाए ये तीनों ग्लैंड सेल्स कहाँ पे होते हैं, ये तीनों ग्लैंड सेल्स ज्यादा मात्रा में कॉलर सेल के पास। यहाँ पे आप देखेंगे कि तीनों ग्लैंड सेल कहाँ ज्यादा मात्रा में होते हैं, तो कॉलर रीजन पे ये ज्यादा मात्रा में होते हैं जी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है एपिडर्मिस के बाद मस्कुलेचर। जो मस्कुलेचर है ये सेकेंड पॉइंट है बॉडी वॉल का, किसका, बेलेनोग्लॉसस का। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें क्या है, द मसल्स आर स्मूथ। मसल्स कैसे होते हैं बेलेनोग्लॉसस के, जो वाल पे पाए जाने वाले मसल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मूथ होते हैं, वीक होता है एंड मोस्टली लॉन्गिट्यूडनल। ज्यादातर ये कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होता है, ना कि वर्टिकल, लंबवत में होता है। प्रोबोसिस एंड द एंटीरियर एंड ऑफ कॉलर, प्रोबोसिस पे और कॉलर की जो एंटीरियर एंड होती है, जैसे ये हो गया बेलेनोग्लॉसस। अगर हम यहाँ पे बात कर ले बेटा, यहाँ पे अगर हो गया ये बेलेनोग्लॉसस, ये है बेलेनोग्लॉसस, और यहाँ पे ये वाली पोर्शन, अभी हम इसमें कुछ चीजें और दिखाएंगे इसलिए ये डायग्राम को यहीं पे रख देंगे। तो ये हो गया ट्रंक वाला पोर्शन। अगर इधर पे हम बात करें तो ये हो गया ट्रंक, ये है ट्रंक, ये हो गया कॉलर, ये है कॉलर। आई होप आप लोगों को इसके पहले वाली वीडियो डायग्राम के साथ जो दिए थे क्लियर होगी, तो वहां से ही आप ध्यान दीजिएगा। ये हो गया प्रोबोसिस। तो ध्यान दे बेटा कि हमने ये बोला प्रोबोसिस एंड द एंटेरियर एंड ऑफ कॉलर। एंटेरियर एंड, अगर पोस्टेरियर की बात की जाए तो पोस्टेरियर ये होगा बेटा, और एंटेरियर की बात की जाए तो एंटेरियर एंड कॉलर का ये होगा, ये एंटेरियर एंड होगा बेटा, ये पोस्टेरियर होगा। तो यहाँ पे एंटेरियर एंड ऑफ कॉलर हैव एन आउटर लेयर, वहां पे एक आउटर लेयर है ऑफ सर्कुलर मसल्स फाइबर, वो भी सर्कुलर मसल्स फाइबर के, एंड इनर लेयर और इनर अंदर की तरफ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगे। आउटर साइड में कैसे हैं सर्कुलर मसल्स, और अंदर की तरफ कैसे हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, कहाँ पे, कॉलर और कॉलर जो इंटीरियर इंड है कॉलर का, वहां पे और प्रोबोसिस में। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं
इन ट्रंक रीजन ओनली लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि यहाँ पे बेटा अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ही प्रेजेंट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर आर प्रेजेंट। तो ये आपने देख लिया कि प्रोबोसिस और कॉलर के आउटर साइड पे सर्कुलर मसल्स होते हैं, और इनर में क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और ट्रंक में क्या होता है ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाए जाते हैं। तो पेरिटोनियम की बात करेंगे, अभी हमने एपिडर्मिस मस्कुलेटर पढ़ लिया, बॉडी वॉल में हमको पढ़ना क्या है पेरिटोनियम। जो पेरिटोनियम है बच्चा, इसमें क्या है कि सिलोमिक जो लेयर होते हैं, जो लाइन होते हैं, उनके बारे में स्टडी की जाती है। यानी पेरिटोनियम में हम क्या करेंगे, द सिलोम इज लाइंड बाय द पेरिटोनियल सिलोमिक एपिथेलियम आर पेरिटोनियम विच कवर्स द इनर सरफेस, ऑफ द बॉडी वॉल मस्कुलेटर। अभी ध्यान देना बच्चा कि यहाँ पेरिटोनियम की बात हो रही है, ये क्या बोल रहा है कि द सिलोमिक जो द सिलोम इज लाइंड बाई, यानी जो सिलोम है, सिलोम क्या होता है कि ये बन गई इसकी बॉडी, और बॉडी के अंदर जो स्पेस है, इस स्पेस के ऊपर जो लाइंड होगा लेयर, ये सिलोम के ऊपर जो लेयर बन रही है इसकी बात हो रही है, जो चारों तरफ से घेरा है, इस अगर इसकी बात की जाए, ये सिलोम है तो इसको चारों तरफ से घेरने वाला ही पेरिटोनियम है। वही चीज हो रही है कवर की, ये क्या कर रहा है कवर कर रहा है, उसे बोला गया पेरिटोनियम विच कवर्स द इनर सरफेस, और ये सिलोम की इनर सरफेस न की आउटर सरफेस, इनर सरफेस को कवर किया हुआ है, ऑफ द बॉडी वॉल मस्कुलेटर, और मस्कुलेटर की जो इनर सरफेस होती है वहां पे भी यही चीजें देखी जाती है पेरिटोनियम की। जब हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में, तो ये हमारे तीनों पार्ट हो गए बॉडी वॉल के। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ बॉडी वॉल, इट प्रोटेक्ट द क्या, सॉफ्ट बॉडी, जो बलेनोग्लासस की सॉफ्ट बॉडी होती है, सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज। जो बलेनोग्लासस की इंटरनल ऑर्गन्स होती हैं, या जो भी ऑर्गन्स है बॉडी पार्ट है, उसको ये सब क्या करते हैं, जो तीनों बॉडी वॉल की बात की गई, ये प्रोटेक्ट करेंगे। आप खुद की बॉडी वॉल देख लें या पेड़ पौधों की बॉडी वॉल देख लें, वो इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, सेम यहाँ पे भी वैसे ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है कि यहाँ से ग्लैंडुलर सेल्स क्या करते हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये म्यूकस चिपचिपा पदार्थ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो कुछ तो हेल्प करेगा। वो हेल्प क्या करता है, जैसे ये यू शेप में रह रहा है, यू शेप होता है, जो होल बना के ये यू शेप की ट्यूब बना के ब्लेनोग्लासस इसके अंदर रह रहा है, तो इसके चारों तरफ ये म्यूकस सिक्रीट करके इसके लेयर को क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव बना देते हैं, जिससे ये झड़ने नहीं पाता। तो जरा हम देख लें, म्यूकस प्रोड्यूस्ड बाई एपिडर्मल ग्लैंड सेल्स अधेयर, ये इनको चिपकने में, ये जो सैंड पार्टिकल है उनको चिपकने में हेल्पफुल होता है। भाई ये सैंड पार्टिकल को अगर हम इसके सैंड पार्टिकल को बना ले और एक जगह ऐसे रख दे तो ये रहेगा नहीं रहेगा, और यहाँ पे ये म्यूकस है, इस वजह से वो एक दूसरे के साथ ऐसे चिपक के एक यूट्यूब बना लिए, और यूट्यूब का मतलब चैनल नहीं, ये यूट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसके साथ यहाँ पे अंदर बलेनोग्लासस रहने लगता है, क्योंकि इधर से इधर तक एक स्पेस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो क्या करता है, अधेयर्स सैंड पार्टिकल्स फॉर लाइनिंग द बरो, जो बरो को चारों तरफ से क्या करता है, ऐसे प्रोटेक्ट कर देता है, अधेयर कर देता है, चपका देता है सैंड पार्टिकल्स को, और उसके अंदर ये एनिमल आसानी से रहने लगते हैं। फॉल स्मेल ऑफ म्यूकस इज प्रोटेक्टिव, क्या होता है बेटा कि यहां म्यूकस से कुछ गंदे स्मेल्स आते हैं, ये स्मेल्स क्या करते हैं, बाहरी ऑर्गेनिजम्स को इसकी तरफ आने से बचाते हैं, और जो भी इसके तरफ आने वाला खतरा होता है उससे ये खुद को बचा लेता है। भाई इसकी स्मेल के कारण इसके पास कोई आ नहीं सकता, इसके घर के पास कोई नहीं आ पाता, इसलिए इनकी प्रोटेक्शन हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आती है, मस्कुलेटर हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, जो इसकी लास्ट हमने सेकेंड पॉइंट पढ़ी थी मस्कुलेटर, ये मसल्स की ही बात है, ये क्या करता है इसके बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्पफुल करता है, जिससे ये वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव करके या फिर इस यू लाइक बरो में आसानी से रह लेते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और पहले बोल दिया क्या, अच्छा हमारा वीडियो आप लोग कंटिन्यू देखते रहें, और जितने लोगों को हो सके शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब का बात तो हम छोड़ दिए हैं, आप लोग जरूर करेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चा, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
और बहुत सारे वीडियो अपलोड करे हैं, प्लीज उसको जाके देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।